नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रुलानिया एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो प्लांट मॉर्फोलॉजी के जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी के नाम से, तो उससे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद ये टेस्ट पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस टेस्ट पेपर के जो आंसर है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला है, कूट चक्कर या वर्टिसिलिस्टर पुष्पक्रम पाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन से जो आपको सही लगे वो कीजिएगा। इसके आंसर है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, साइथियम में मादा तथा नर पुष्पों का अनुपात होता है। चार ऑप्शन है, वही चारों में से जो सही लगे वो कीजिएगा। उसके बाद कैटकिन एक प्रकार है, पुष्प का है, पुष्पक्रम का है, तने का है, सभी का है। तो आप आंसर कीजिएगा, अपने नोटबुक में आंसर लिख लीजिएगा। लास्ट में वीडियो के लास्ट में जो आंसर मिलेगा उनसे मिलान कीजिएगा। एक द्विशाखी सस्सी मार्क्स एक शाखी सस्सी मार्क्स में बदलता है मिलता है, यानी ये चार ऑप्शन चारों में से किस में मिलता है। पुष्प एवरंती होते हैं निम्न में से, रेशमी के होते हैं, स्पाइक के होते हैं, अम्बेल के होते हैं या कोरम्ब के होते हैं। छठा क्वेश्चन है, रेशमोस में पुष्प व्यवस्थित होते हैं, अवगर विसारी क्रम में, अपकेंद्री क्रम में, अभिकेंद्री क्रम में, सभी में। उसके बाद सातवां है, सबसे विकसित प्रकार का पुष्प क्रम है, कोरिम्ब है या कैपिटुलम है या स्पेडिक्स है या कैटकिन है। आप में से जो सही आंसर है वो कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तीन प्रकार के पुष्प निम्न में पाए जाते हैं। तीन प्रकार के पुष्प निम्न में से पाए जाते हैं, कैपिटुलम में पाए जाते हैं या हाइपेंथोडियम में पाए जाते हैं या अम्बेल में पाए जाते हैं या फिर साइथियम में पाए जाते हैं। जो भी आंसर है वो सही है लगे आपको कीजिएगा। पुष्प क्रम का अक्ष है, पुष्प वृंत है, पुष्पावली वृंत है या पर्णवृंत है या सभी है। जो सही लगे वो आंसर देख लीजिएगा आप। वृंतीय पुष्प जो एक ही बिंदु से उत्पन्न होते हैं मिलते हैं, अम्बेल में मिलते हैं, साइमोस हिड में मिलते हैं, कैपिटुलम में मिलते हैं या फिर वर्टिसिलिस्टर में मिलते हैं। जो आंसर सही लगे वो कीजिएगा आप। एक खाने योग्य पुष्पक्रम है, शलजम का, सरसों का, मूली का, गोभी का। जो सही लगे वो आंसर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सभी के आंसर बताते जाऊँगा। उसके बाद गुलाब के जो प्रिकल्स हैं वो रूपांतरित पत्तियां हैं, रूपांतरित अनुपरण हैं, उत्पत्ति में बहिर जाते हैं, उत्पत्ति में अंतर जाते हैं, उनमें से आपको बताना है। तने की शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है, वेनेटेशन कहलाती है, वर्नेशन कहलाती है, इनफ्लोरेंस जो इनफ्लोरेंस कहलाती है या फाइलोटॉक्सी कहलाती है। जो भी सही आंसर लगे आपको वो सही कीजिएगा। साइथियम पुष्पक्रम निम्न में से पाया जाता है, कॉटन में पाया जाता है, फाइकस में पाया जाता है, यूफोर्बिया में पाया जाती है, रिकिन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की बात करें तो पुष्प क्रम निम्न का संग्रह है, दलों का संग्रह है या पुंकेसरों का संग्रह है या पुष्पों का है या अंडप का है। पुष्प क्रम निम्न का संग्रह है। जो सही आंसर लगे वो आप कीजिएगा। निम्न में से कौन एक संबंधित प्रकार का है, कैटकिन एंड हाइपोथेडियम, रेशमी एंड साइथेनियम जो साइथियम, कोरिम्ब एंड अम्बेल या वर्टिसिलिस्टर एंड स्पाइक। इनमें से दो क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित है, इनमें से बताना है आपको कौन सा है। जो आपको सही लगे वो आंसर कीजिएगा। तो जिग जैग यानी जिग और जैग, जिग जैग प्रकार का पुष्पों का विकास पुष्प क्रम अक्ष पर साइथियम होता है या कैपिटुलम होता है या हेलिकॉइड साइम होता है या स्कोरोपोइड साइम होता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा होता है। साइथियम में मादा पुष्पों की संख्या है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है। जो सही लगे आप वो कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, कमल है, गुलाब है, करौंदा है, बबूल है। इनमें से एक है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तीन नहीं। आपको बताना है कौन सा है। बाह्य दल तथा दल का एक दूसरे के साथ क्रम है, शिरा विन्यास है, पुष्प दल विन्यास है, ससंजन है या आसंजन है। यानी बाह्य दल और जो दल हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे उनका क्रम क्या कहलाता है, शिरा विन्यास कहलाता है या पुष्प दल विन्यास कहलाता है या ससंजन कहलाता है या आसंजन कहलाता है। तो वीडियो को रोक रोक के आप ये क्वेश्चन से देखते जाइए, उनका आंसर कीजिएगा। तो प्रदर्शित करते हैं, सहपत्र करते हैं, बाह्य दल करते हैं, दल करते हैं या पुंकेसर करते हैं। उसके बाद द्विदृगी अवस्था संबंधित है से, यानी जो एक हम पढ़े थे एकदृगी, द्विदृगी, बहुदृगी, असमान जो संबंधित है अवस्था वो किन से है।
पुमुंग से है, पुष्पक्रम से है, जायांग से है, या सभी से है। तो 23वें क्वेश्चन की बात करें तो 23 की बात करें तो पुंकेसर दलों से संबंधित होते हैं तो कहलाते हैं दल लगन कहलाएंगे, दल लगन पुंकेसर कहलाएंगे, या परिदल लगन पुंकेसर कहलाएंगे, या बाह्य दल लगन पुंकेसर कहलाएंगे, या सभी कहलाएंगे। पुष्प पत्र निकलते हैं, पुष्प पत्र कहाँ से निकलते हैं, मात्रक से निकलते हैं, या पुष्पासन से निकलते हैं, या जड़ों से निकलते हैं, या पुष्प व्रंथ से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं वो आपको बताना है। पुमुंग संग्रह है, पुमुंग किस चीज़ का संग्रह है, प्राकोष का है, पुंकेसर का है, पूतंतु का है, परिदल का है, जो आपको करेक्ट आंसर लगे वो कीजिएगा और बताइएगा। यदि पूतंतु एक ही समूह में सहसंजित हो तो अवस्था कहलाती है, एक संघी पुंकेसर कहलाते हैं, बहुसंघी पुंकेसर कहलाते हैं, या फिर एक संघी और बहुसंघी दोनों कहलाते हैं, इनमें से कोई आंसर नहीं है, जो सही लगे वहाँ पर कीजिएगा। सुक्तांडपी जायांग में दो या अधिक होते हैं, मुक्त अंडप होते हैं, सहसंजित अंडप होते हैं, मुक्त अंडाशय होते हैं, या फिर सभी होते हैं। आंसर चारों में से एक सही है और बाकी गलत हैं, तो आप सही है वो आंसर बताइएगा। एक प्रारूपिक पुष्प जिसमें अंडाशय उद्रवर्ती तथा अन्य पुष्पीय भाग अधोवर्ती होता है, ये क्या कहलाता है, पॉलीगोनस कहलाता है, या हाइपोगोनस कहलाता है, या पेरिगोनस कहलाता है, या एपिगोनस कहलाता है। तो इनमें से चार ऑप्शन, चारों में से एक सही है, बाकी गलत हैं, आप सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। उत्तक जो अंडाशय में बीजांड से संयोजित रहता है कहलाता है फुनिकल कहलाएगा, हीलियम जो हीलम कहलाएगा, या प्लेसेंटा कहलाएगा, चलेजा कहलाएगा। इनमें से एक आंसर सही है, बाकी तीन आंसर गलत हैं, जो आपको करेक्ट आंसर करना है। उसके बाद है पेपस रूपांतरण, जो पेपस प्रकार का फल है वो रूपांतरण है, इनमें से किसका रूपांतरण है बताना है आपको, तो सहपत्र का है, दलपुंज का है, बाह्य दल का है, या सभी का है। तो ये तो थे प्लांट मॉर्फोलॉजी यूनिट से जुड़े हुए क्वेश्चंस, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और कुछ आने की संभावना है, या फिर आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनके आंसर दिखाता हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो में दिखाता हूँ, ये आंसर है इसके, तो आंसर है आपके सामने दिए हुए। वीडियो को मैं 4 या 5 सेकंड के लिए यहाँ पर पॉज करता हूँ ताकि आप ये आंसर आराम से देख सकें। तो पहले में चौथा आंसर सही है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दूसरा, चौथे में पहला, पांचवें में दूसरा, यानी ये पूरे पूरे 30 जो क्वेश्चन ऊपर दिए थे हमने उसके आंसर्स हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा रोक कर बात कर रहा हूँ, तो आप ये आराम से इसके आंसर मिला लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोक रोक के फिर आंसर मिला सकते हैं, इसके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ये आपकी जो जितने वीडियो देखे हैं या फिर आपने जो पढ़ाई की है तो उसका पता चल जाएगा, यानी कितने आपके सही हो रहे हैं, इस आधार पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की एजुकेशन से जुड़ी हुई और जॉब से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल रुलानिया क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।